بسم الله الرحمن الرحيم. معزز حاضرین، اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کر چکے ہاں، ایدے اندر اللہ عظیم و برتر نے اونا خوش قسمت لوگان دا تذکرہ فرمایا، جیڑے لوگ قیامت والے دن ہون گے تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہون گے۔ نبی پاک دا ساتھ مل جانا بڑی سعادت دی بات ہے، اور یقیناً میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے عرش دے نیچے نور دے ممبر دے اتے جلوہ افروز ہونگے، اور نبی پاک دے نال او لوگ بھی ہونگے جنہ نے عرش الہی دے سائے نو حاصل کرن واسطے دنیا اندر او دے مطابق زندگی گزاریے۔ دعائے فرماؤ جنہ لوگاں نو ساتھ نبی پاک دا ملنا، اور جیڑے لوگ اللہ دے عرش دے نیچے ہونگے اونا لوگاں وچ رب سانو بھی شامل فرما لے۔ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، قیامت دے دن کوئی نہ کسے درخت دا سایہ ہونا، نہ ہی کسے مکان دا انچان دا سایہ ہونا۔ اس دن سایہ ہوئے گا صرف اللہ دے عرش دا ہوئے گا، اور عرش کی چیز ہے قرآن پاک نے بار 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 یہ لفظ استعمال کیتا ہے، کیتے فرمایا ثم استوى على العرش، کیتے فرمایا وہو رب العرش العظیم، دیگر انداز نال عرش دا لفظ بار بار آیا ہے۔ اے عرش ہے کی یہ جیدہ سایہ ہونا ہے، اے عرش چیز کی یہ عرش کہندے نے ایسی اعلیٰ جگہ جتھے بادشاہ جلوہ افروز ہوئے، جیدے اوپر کوئی بادشاہ جلوہ افروز ہوئے اونو عربی اندر عرش کے آ جاندہ ہے، اور جتنا کوئی بڑا بادشاہ ہوئے گا اتنا ہی اس دا عرش تے تخت اچھا بھی ہوئے گا،
बड़ा भी होएगा। हजरत सुलेमान अली सलातो व सलाम दे दौर अंदर मुल्क सबा दी एक बीबी बादशाह सी जिदा नाम सी मलका बल्कीस। ओदे अरश नो अल्लाह ने बयान किया हुद हुद दी जबानी। इंशाल्लाह एक जुमा ए हुद हुद ते भी पढ़ावांगे और सुलेमान अली सलाम दी सीरत ते भी पढ़ावांगे। कुरान पाक ने फरमाया वाला हा अरशुन अजीम, उस बीबी का बड़ा वड्डा अरश सी। किड्डा कु वड्डा अरश सी, जमीन तो 80 हाथ उच्चा ओदा अरश सी, 40 हाथ चौड़ा ओदा अरश सी। सोने चांदी कीमती जवाहरात दे नाल ओ मुजयन सी। जेड़ी इमारत ते जेड़े महल विच ओदा अरश सी ना, ओ महल अंदाजा खुद ही कर लेना कि 360 ओदे कल्ले दरवाजे ही सन। 360 दरवाजे मशरक वाली साइड ते ने, 360 दरवाजे मगरब वाली साइड ते ने। ते हर रोज सूरज चढ़दा है एक दरवाजे विच ओदी रोशनी जांदी है, दूसरा दिन चढ़दा है दूसरे दरवाजे च ओदी रोशनी क्रॉस करदी है। इसे तरह पूरा साल एक दरवाजा जेड़ा है सूरज वास्ते उन्होंने खास किया है। अज सूरज ने चढ़ना है ते ओदी रोशनी ए दरवाजे चो आएगी। अगे इसे तरह मगरब वाली साइड ते दरवाजे जदों सूरज गुरूब हुंदा है हर रोज एक दरवाजे की सैटिंग इस तरह कीती है कि हर रोज एक दरवाजे चो उन्हें डुबदिया ते गुरूब हुंदिया नजर आना। खैर मैं दसना चाहना कि अरश किया जांदा है ऐसी जगह जिथे बादशाह जिदे ऊपर जलवा फरोज होए। और एते एक आम बीबी सी ना बादशाह, उन्हें अपनी हसीयत के मुताबिक अरश बनाया है, अपना तखत बनाया है। सदके जावा कुर्बान जावा, जरा अंदाजा लगाओ कि अल्लाह का अरश किड्डा कु वड्डा होएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहो रजी अल्लाह ताला अन हो बयान करते ने मैं रब का अरश दसन लगा किड्डा कु है। फरमाते ने कि 7 जमीना 7 आसमान। ऐ देखो ना, ए एक जमीन है, ये नाल दूसरी जमीन इत्थे जमा कर दीती जाए, नाल तीसरी जमीन चौथी जमीन, 7 जमीना अलहदा अलहदा फैला दीतियां जान, उन्हां दे नाल 7 आसमान भी फैला दिते जान। 14 तबक मिलके अल्लाह दी जेड़ी कुर्सी है ना, वासिया कुर्सी यो समावाती वल अर्जा, ओ जेड़ी रब दी कुर्सी है ना, एदे मुकाबले ते 14 तबक इंज लगनगे जिमें खुले मैदान विच एक कड़ा पिया होया है। एडे छोटे जे कुर्सी दे मुकाबले ते, और जेड़ी कुर्सी है एदे उपर अल्लाह दा अरश है, ते अरश दे मुकाबले ते भी कुर्सी एडी कु है जिमें खुले मैदान विच एक कड़ा पिया है। ते अरश पता नहीं किड्डा कु वड्डा, ते ए जड़ा अरश है ना रब दा, एदे उपर सुमस्तवा अलल अरश है, इस अरश दे ऊपर अल्लाह ताला जलवा अफरोज ने। वकाना अरशहु अलल मा, मखलूकात दे बनान तो पहले
एको ही जेड़ा अरश नीचे सी पानी ते सी ते अल्लाह ओदे बाद फिर ऊपर लह गए। जो रब ऊपर लह के गए कदों लह के गए आ सुनना जरा ध्यान नाल आ नोट कर लो इन्नल्लाह इब्तदा अल खल्का फी यौमिल अहद। अल्लाह आकाफ फरमांदे ने मुफस्सरीन ने लिखे है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखे है जदों रब ने मखलूकात नू पैदा किया ना ते ए जमीन नू रब ने दो दिन च बनाया है वा खालकल अर्ज़ा फी यौमैन दो दिन अंदर जमीन नू बनाया है। अगे सुनना जरा इतवार ते सोमवार वाले दिन वखलकल जिबाला वल वहूशा वल अशजारा वज़रा वल हयवानाते पहाड़ जानवर दरखत पहाड़ खेतियां फल हर किस्म के जानवर जड़े ने ए रब ने बनाए ने ते मंगल ते बुध वाले दिन बनाए ने। अगे सुनना जरा वसमावात फी यौ मई ने आसमान रब ने दो दिन च बनाए ने जुमे रात ते जुमे वाले दिन और जुमे वाले दिन ए बना के ना सत्तों आसमान ते फिर वखाला का आदमा यौमल जुमा सारिया मखलूकां तो बाद अल्लाह ने बनाया ते बाबा जी आदम अली सलाम नू बनाया। सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह ए अल्लाह ताला ने मखलूकां नू बनाया ते फिर की कीता सुमस्तवा अलल अर्श फिर अल्लाह आसमान ते आसमाना तो ऊपर अरश ते मुस्तवी हो गया। हुण असीं ये नहीं कह सकते कि अल्लाह दे उत्थे अरश दे उपर दी कैफियत की है। अल्लाह खलोता है अल्लाह बैठा है किस हालत में सुनना जरा इन्नल इस्तवा मालूम वल कैफ मजहूल। अल्लाह दा अरश दे मुस्तवी होना मालूम है अल्लाह दी हालत दा इलम नहीं वल ईमान बे ही वाजिब और एदे नाल ईमान लियाना साढ़े ते जरूरी है। वसवालो अनहो बिदातुल रब दे बारे सवाल करना कि रब किस हालत में ए बिदत है इंसान नू इस गल च नहीं पहना चाहिदा। और वैसे भी इमाम इसहाक इमाम मुजनी इमाम बुखारी इमाम तिरमजी इमाम अबू दाऊद इमाम इब्ने माजा इमाम अबू याला इमाम बहकी दाया कीदा इन्नहु फौकल अर्श अल्लाह अर्श दे ऊपर मौजूद ने व यालम कुल शैयर और अल्लाह हर चीज नु जानदे ने। मैं दसना चाहना कि अल्लाह इस टाइम अर्श दे उत्ते मुस्तवी ने सदके जावा सुबहान अल्लाह। हुण सुनना जरा अर्श की अजमत की है। मेरे आका अली सलाम ने फरमाया अमरनी अन अन उक्सीरा ला हौला वला कुवता इल्ला बिल्ला। रब ने मैनु आर्डर दिता है सोनिया अक्सर टुरदे फिरदे पढ़दे रिहा करो ला हौला वला कुवता इल्ला बिल्ला। अल्लाह जी क्यों पढ़ना है फरमाया फा इन्ना हुन्ना मिन कंजे तहतिल अर्शे। आका नु अल्लाह फरमांदे ने सोनिया ए तां पढ़दे रहो कि मैं अपने अरश दे खजानियां विचों ला हौला तुहानू अता कर दिता है। ए पढ़दिया रहना चाहिए। एक होर हदीस सुन लो मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी है मा मिन अब्दिन अता अखन लहू यजूर फिल्ला। एक आदमी घरों टुरद अपने भाई मुसलमान नू मिलन वास्ते लंबा सफर करदा या थोड़ा सफर करदा अल्लाह दी रजा वास्ते टुर पैंदा ते उत्ते आवाज आउंदी है मेरे फरिश्ते जी जी रब जी। फरमाया ऐलान कर दे अंतिबता वताबत लकल जन्ना अपने मुसलमान भरा नू मिलन वाले आ रब ने तेरे ते जन्नत नू वाजिब कर दिता है।
अगे सुन लेना जरा अगली गल तो सुन वाली है। अल्लाह फिर खुद फरमाते हैं फी मलकूत अरशे ही, अपने अरश के फरिश्तिया अल्लाह ऐलान करके फरमाते हैं फरिश्तियो जी जी रब जी फरमाया अब दी जारा फिया मेरा बंदा अपने मुसलमान भाई नू सिर्फ मेरी रजा वास्ते मिलन वास्ते चलिया ये मैनु इतना प्यारा प्या लगता है। फलम अरजिलहू बेकारे इन दूनिल जन्ना, मैं रब ने फैसला कर लिया ये अपने भाई नू मेरी वजह तो मिलन वास्ते जा रहा है ये उथे बाद विच पहुंचेगा। ते रब ने इहदे बारे फैसला यह किया कि यह बंदा मेरा महबूब है ते यह मैं रब इहदी मेहमान नवाजी तैयार कर दी है ते अपनी जन्नत कर दी है। पता लगा कि जेड़ा रब दा अरश है बड़ा आल है अजीम अरश है। आ सुनना जरा कुरान अल्लाह फरमांदे ने सिपारा है पंजवा अल्लाह फरमांदे ने वमयुद इल्ला रसूल फौलाइका मल्लजीना अन अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीना वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसुना औलाइका रफ़ीका। तर्जमा सुन लो तर्जमा सुन लो अल्लाह इन्हां सारियां नूं अपने अरश दा साया नसीब फरमा। सुन तर्जमा कुरान की आंदा वमयुद इल्ला रसूल जेड़ा अल्लाह त्यो दे रसूल दे आखे लग जांदा है फाउलाइका मा अल्लजीना अनअमल्लाहु अलैहिम। कियामत दा दिन होएगा अल्लाह इतात करने वाले नो इनाम याफ्ता लोगां दा साथ अता कर देवेगा। ओ किन्ने तबके ने चार तबके ने मिन नबीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन नबियां दे नाल होएगा सिद्दीकां दे नाल होएगा शहीदां दे नाल होएगा औलिया उर रहमान दे नाल होएगा वासुना औला रवी का। अजे भी नहीं समझ आई मैं दसना चाहना वा गल जरा नोट कर लो ना ए ओ लोग ने जिन्ना नु पैगंबर दा साथ मिलना है ते पैगंबर कयामत दे दिन रब दे अरश दे नीचे होंगे ते कस्तूरी दे ते नूर दे मिंबरा उते बैठे होंगे ए आके लगन वाला अल्लाह दे अरश दे साए थले आमिना दे लाल दे नाल होके बैठा होवेगा। अजे भी नहीं समझे ते मैं कुरान पाक दा एक होर मुकाम सुनान लगा वा ए भी सिपारा पंजवाई है मेरे अल्लाह फरमांदे ने वल्लजीना आमनु वा अमलु सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिर्दात हल अनार खालदीन फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतखरतुन व
مدخل مزل الزليل ایمان تازہ کر لو میرے اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات او میرے پیارے بندے جڑے ایمان بھی لے آئے نے تے جنہاں نیکیاں بھی کر لیاں نے قیامت دا دن ہوئے گا سانو دخلوں جنات تجری من تحت حل انوار ایک لفظ ہوندا ہے داخلا یاد کھولو اے دا مانا ہوندا ہے داخل ہونا ایک لفظ ہوندا ہے ادخلا یود کھلو اے دا مانا ہوندا ہے داخل کرنا جمع متکلم دا سیگا نود کھلو میں رب بندے نے جڑے ایمان لے آئے نے جنہاں نیکیاں کر لیاں نے قیامت دا دن ہوئے گا میں اپنی جنتاں وچ انہاں مومناں نو میں آپ انہاں نو جنت وچ داخل کر دیواں گا اے کیڑیاں جنتاں نے کیڑیاں جنتاں نے تجری ملتا تے حل انہار اونا جنتاں ویچو اوپر تے کوٹیاں ہونگیاں نیچے اینا جنتاں دے نہراں جا رہیاں نے خالدین فیہا ابدا اے جڑے جنت داخل ہو جانگے کدی کڈے نہیں جانگے خالدین اینا جنتیانو اوتے میں ہمیشہ ہمیشہ رکھاں گا صرف رہن گئی نہیں صدقے جاواں والا ہم فیوا ازواج متخراتن اینا جنتیان دا دل گان واسطے اینا جنتیان دی زندگی نو خوبصورت بنان واسطے میں اینا نو حوراں وی عطا کر دیواں گا وانو دخلوم ذلا ذلیلا اللہ فرماندے نے انہاں نو میں گھنے درختاں دے سائے عطا کر دیواں گا اینو عظمتاں دے نے اینو شان کہندے نے اینو مقام کہندے نے او میاں ای تے عظمت بندے دی اللہ فرماندے نے صدقے جاواں جنت وچ وی انہاں نو میں سایہ عطا کر دیواں گا جدوں میدان محشر ہوئے گا جنت جے داخل نہیں ہوئے انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے اپنے عرش دا میں انہاں نو سایہ نصیب کر دیواں گا ویکھ لے پتہ لگا میدان محشر وچ سایہ ملنا اللہ عطا کر دے سارے آمین کہہ دیو او کیڑے کیڑے خوش نصیب نے جنہاں نو میدان محشر وچ جدو لوگ پسینیاں چ ڈبے ہون گے جدو پیو چھڈ جائے گا ماں چھڈ جائے گی باپ چھڈ جائے گا اولاد چھڈ جائے گی اور جدو ویکھ لے خونی رشتے دار بھی چھڈ جان گے جدو محلے دار بھی چھڈ جان گے جدو عزیز و اقارب بھی چھڈ جان گے پوری دنیا چھڈ جائے گی اودو اللہ انہاں دا ساتھ بھی دے گا اپنا سایہ عطا بھی کرے گا او کیڑے بندے نے روایت بخاری دی روایت ترمذی دی روایت ابو داؤد دی اور روایت ابن ماجہ دی روایت مشکات دی سناواں الفاظ مصطفیٰ دے سناواں الفاظ میں ہن او دے پیش کرن لگا تیری محبت نو ذرا ٹچ کرن لگا اور او دے الفاظ سنان لگا جدے بارے میں کیوں نہ کہہ دیا او دے لبا او تے رب بول دائے اللہ بڑا پیار قبول فرما لے اے او دے لبا او تے رب بول دائے او
जदों रब बुलावे बोलदा है सोना रहमत दा मोती रोलदा है सोना रहमत दा मोती रोलदा है ओदा बोल वेखो ना ओदा बोलना रब दा कलाम आया ओदा बोलना रब दा कलाम आया कायनात दा बन के इमाम आया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह आवेख लै केड़े केड़े बंदे ने मेरे आका फरमांदे ने वान अबी हो रहरादा रजी अल्लाह अन काला काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अदुन युजिल्लो मुल्लाव भी जिल्ले यौम ला जिल्ला इल्ला जिल्लो अल इमामुल आदिलो अल इमामुल आदिलो व शाबुल नशा भी इबादतिल्ला व रजुलुल कल्बु मुअल्लकुम बिल मजाजिद व रजुलाने तहाब्बा फिल्लाह इजतमा अलैहे व तफर्रका अलैहे व रजुलुल दअतु इमरअतुल जातु हमन सबिर व जमाल فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله وقال يا ففاسد أينا पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद जिन्ना जिन्ना प्यारे इजहार जरूर करया करो यही जे जुमे ते असी सिखन आउने आ कि असी नबी पाक के दरूद पढ़न आउने आ अल्लाह दे कुरान दियां आयतां सुनन आउने आ मेरे और तुहाडे आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ी हदीसे मुबारक है इस हदीसे मुबारक नू इमाम बुखारी ने सही बुखारी वेच चार मुकामाते बयान फरमाया है एक किताबुल हुदूद दे अंदर किताबुल रिकात दे अंदर किताबुल ज़कात दे अंदर किताबुल सलात दे अंदर इस हदीस नू बयान कीता है और ये सात बंदे ने किन्ने बोलो किन्ने इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब के अंदर लिखे है ती बंदे ने ते वेख लै इमाम इबने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम इबने हजर ने शरा बुखारी फतहुल बारी दे अंदर 28 बंदे लिखे ने एक होर इमाम ने 70 बंदे लिखे ने लेकिन इमाम बुखारी ने 7 बंदे लिखे ने अज मैं 7 बंदे ही बयान करांगा केड़े केड़े बंदे ने आका फरमा देने सब अतुल यो जिल्लो मुल्लाओ भी जिल्ले यो मला जिल्ला इल्ला जिल्लो आका फरमांदे ने 7 किस्म दे ऐसे खुश नसीब आदमी ने और जिन्ना नू फुल गर्मी विच 50,000 साल दे दिन विच इन्हां नू जदों किसे ने अल्लाह दे अरश दे करीब नहीं आन देना उदों ए अल्लाह दे अरश दे साए थले नूर दे ते कस्तूरी दे मिंबरां दे उत्ते बैठे होंगे सुभान
अल्लाह सुबहान अल्लाह और तांबा तबे जमीन जैस वेले सूरज सर पर वे अरश इलाही उस पर फजलों अरश इलाही उस पर फजलों तंबूतान खलो वे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये पहला बंदा केड़ा आका फरमा देने अल इमामुल आदिलो पहला ओ हुक्मरान है जेड़ा अपनी रियाया नाल मुहब्बत कर द अपनी रियाया दे फैसले सही कर द पैसे लैके विक नहीं जांदा पैसे लैके जुलम नहीं करता रिश्वत लैके इंसाफ गलत नहीं करता बल्कि टू दी पॉइंट सही सही सीधा सीधा और मियां सच्चा सच्चा फैसला कर द ते मेरे आका ने नाल ए भी फरमाया हदीस सुन लो जरा नोट कर लो मेरे आका फरमांदे ने हल तालमूना मिन साबिकूना इला ज़िल्लिल्लाह यौमल क़ियामा। आका फरमांदे ने मेरे सहाबा दसो जरा जानदे हो केड़ा बंदा जेड़ा सब तो पहले अल्लाह दे अरश दे नीचे जाएगा सोनिया केड़ा फरमाया ओ काजी ते जज ते बादशाह ओ परे पचैत वाला वड्डा बंदा जेड़ा सही सही हक हक फैसला करदा इधरों फैसला है सही सही करदा उत्तों आवाज आउंदियां ने ए मेरे आ बंदिया फैसला इंसाफ ते कर लिया जी रब जी फैसला इंसाफ ते कर लिया फरमाया कियामत दा दिन होएगा जदों तू आएगा तेनू मैं अपने अरश दा साया नसीब कर देवांगा। वेख ला पहला बंदा है दूसरा गेड़ा है वशाबुल नजावा भी इबादत ला है दूजा बंदा ओए जेड़ा जवानी वेच अपने रब दियां इबादत करदा बुढ़े बारे ते आई जाने ना जदों नौ ने दो चार सुनानिया ने ना ते फिर मसीत ही बाबियां नूं लभ दी है अल्लाह साडे घरां दे हालात भी बेहतर बना लेकिन कई ऐसे विगड़े बाबे विगड़े जेड़े बुढ़े वारे भी मसीते नहीं आउंदे उत्तों आवाज़ां आउंदियां ने ओए बाबे आ बजुर्ग बंदे आ गल सुन लै हो नहीं आ जा हो नहीं आ जा हो नहीं आ जा अल्लाह जी आवांगा की होएगा फरमाया पिछले पारे हो नहीं आ जा मेरे दर ते आके डिगना तेरा कम है तेरी जिंदगी दे गुनाह मिटाना तेरे रब दा कम है लेकिन गल जवानी दिए दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबरी इबादत ओ ही है जेड़ी इबादत जवानी वेच हुंदी है। अल्लाह जवानो अपनी जवानी सही तरह गुजारिया करो आका ने फरमाया कियामत दा दिन होएगा आदमी रब सामने खलोता होएगा पांच सवालों का जवाब उतनी देर तक नहीं दे सकेगा जब तक अल्लाह नो ओना पंजा सवालों के जवाब नहीं देगा उतनी देर पैर नहीं हिला सकेगा ओना चो एक सवाल होएगा अनशबाब ही ओए बंदिया मैं तेनों जवानी अता की दस जवानी दे दिन ते रात किथे गुजार के आया दस मैनू जवाब दे नमाजा पढ़ियां डकैती कीती आ जना कीता चोरियां कीतियां ठगी लाई आ लोकां नूं बेवकूफ बनाई रखी आ जवाब दे एक एक
सैकंड का एक एक मिनट का जवाब दे। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा रब दे सवाल जिन्हों रब ने कर दिते फकत नू के शाह ओ बंदा ते फस गया। और मैनू तुसी दसो कोई बंदा जवानी की गरंटी दे सकदा? उन्हें किथे किथे दिन रात गुजारे ने अल्लाह साडे जवानां नूं अपनी इबादत का शौक अता फरमा। यह दूसरा बंदा ही। तीसरा केड़ा है वारा जोलोन कल्ब मुअल्लकुम बिल मस्जिद। तीसरा बंदा होए जिदा दिल मस्जिद नाल लटके है। आका ने किडे अल्फाज फसाह तो बलागत वाले बोले ने। यह नहीं है कि मसीती आंदा नहीं, रजोलोन अल्फाजा दे गौर करना। रजोलोन कल्बहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद। पखा लटक गया है ना मस्जिद दे नाल छत नाल। इस तरह जेड़ा बंदा जिदा दिल मस्जिद दे नाल लटके आए वह भी बंदा अरश दे साए विच होएगा। मतलब की है, ये बाजार चला जाता है बार बार घड़ी वेंदा है, दस मिनट रह गए जमात खड़ी होन दे, चलो यार मैं बाद वेच ही बाजार चला जावांगा। सफर ते जाने घरों टुरन लगे आए वेंदा की है घंटा कु रह गया नमाज दा, चलो मैं नमाज पढ़ के ही टुर पवांगा, किते नमाज कजा ना हो जाए किते नमाज रह ना जाए। मस्जिद वेच ए आ जांदा है नमाज पढ़दा घर वेच बैठा है, एदा किते आन जान का प्रोग्राम बन गया है। किसे दावत ते जाना है पहले टाइम देंदा है कि यार दस मिनट रह गए ने नमाज दे अजान होने वाली है, दावत ते बाद विच जावांगे पहले मैं मस्जिद नमाज पढ़ लवा। रजुलुन कल्बहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद। ए बंदे दा दिल जेड़ा मस्जिद दे नाल लटके है, उत्तों आवाज़ां आउंदियां ने बंदिया तेरा दिल मस्जिद नाल लटके है, कियामत दा दिन होएगा मैं तेनू अरश दा साया दे देवांगा। अल्लाह साडे भी दिल एजे बना दे। कई बंदे अजान सुन के मसीतों निकल जाते, पेशाब कर आते ने मसीते, वाशरूम कर आते ने, कई देखी आजान हो गई है नमाजी मस्जिद में आ रहे हैं, ये बदनसीब मस्जिद चो बाहर जा रहे हैं। कैसी बेवकूफी है, फिर आते हो अजाब क्यों आते ने, फिर आते हो रिजक से बरकत नहीं, फिर आते औलाद ना फरमान। याद रख जब रब नाल धोखा करेगा ते तेरी औलाद तेरे नाल करेगी, तेरी औलाद ना फरमान भी होएगी, तेरे रिजक अंदर बरकत भी नहीं होएगी, तेरे घर वाले तेरे आखे नहीं लगनगे। ओदी वजह है वे गल मेरी नहीं, गल आमीना दे लाल दी है। अल्लाह सब नमाजी बना दे। आ वेख लै चौथा केड़ा बंदा है वरा जुला ने तहाबा फिल्लाए इज्जता माली है व तफर्रका अली। आका फरमांदे ने चौथा ओ दो बंदे इकट्ठे ही ने, इको स्टेप विच इको ही नंबर विच दोवें इकट्ठे ही ने। राजुला ने तहाबा फिल्ला है, ए आपस विच मुहब्बत कर देने ते अल्लाह वास्ते। कादे वास्ते? ना कोई रिश्तियां दा लैन देन दी मुहब्बत दे, ना कोई तजारत दे विच सीर पुने दी मुहब्बत दे, ना कोई इन्हां दे कारोबार दा मामला ओदी मुहब्बत है, ना इन्हां दा नाल नाल घर ता मुहब्बत है। वैसे गुआंढियां नाल प्यार करदिया करना चाहिए, किसी भी किस्म दा ना कोई लोभ है ना इन्हां नूं कोई लालच है, एक दूजे नूं जानदे ने तां भी नहीं जानदे तां भी
आपस में मुहब्बत करते ने ते अल्लाह वास्ते करते ने इजतमा लईए इकट्ठे हुंदे ने अल्लाह वास्ते एक नेक आदमी बैठा है ओदे कोल आके दूजा आदमी बह जांदा है किस वास्ते बैठा है यार बंदा अल्लाह दा नेक बंदा है मैनू एदे नाल प्यार है एक आदमी सिगरेट पी रहा है एक आदमी शराब पी रहा है एक आदमी जना कर रहा है इस तो यह बंदा दूर हो जाता है वादा फर्रा काल ये माना की है ये मतलब कोई गुनाह दूजे च वेंदा दूर हो जाता है यार ये रब तो दूर है मैं इस बंदे तो दूर हो जाना वा इबने माजा दी रवायत सुन लै मुहब्बत विखाण लगा नेक लोगों नाल प्यार करया करो आ जे नेक लोग ने ना अल्लाह दे वली लोग नमाजी लोग इन्हां नाल प्यार करया करो इन्हां कोल दुआवां भी करवाया करो जेड़ी दुआ करनगे अल्लाह कबूल कर लेंगे आ गल सुन ले हजरत अबू मुस्लिम खोलानी रहमतुल्लाह अलैह ताबी ने रवायत इब्ने माजा दिए मेरा जी पिया करदा मैं तेनू ए भी अल्फाज हदीस मुबारक दे सुनाई देवा ते तेरा ईमान वधाई देवा वा नबी मुस्लिम काल कुल तुल माजिर वल्लाह इन्नी ला उहिब्बुका ले गईरे दुनिया अर्जुन उसी बला मिलका वाला कराबत बैनी व बैनका काल फले अय शैयन कुल तो लिल्लाह काल फजब हुबवती सुम काल अबशिर इन कुल तस्वादका फइन्नी समेतो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलो अल-मुतहाबून फिल्लाह फी जिल्लिल अर्श यौम ला जिल्ला इल्ला जिल्लो हजरत अबू मुस्लिम खुलानी ने ताबी ने ते एक पैगंबर दा सहाबी है जिदा नाम है मुआज बिन जबल कह दो रजी अल्लाह ताला हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हां नू शाम दा गवर्नर बनाया ते ए दमिश्क दी जिहड़ी वड्डी मस्जिद है ना उत्थे नमाज पढ़न वास्ते गए हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी दे सहाबी ने कोई कोई सिहाबी रह गया कई सिहाबी जंगा में दूर दूर चले गए ने लोग सिहाबिया वेखन वास्ते तरसते ने दमिश्क की वड्डी मस्जिद में पैगंबर का सिहाबी आया हजरत मुआज गज के कहो रज़ी अल्लाह ताला ईशा की नमाज पढ़ी सिहाबी ने ते अबू मुस्लिम नू पता चला भी है सिहाबी है मुआज रजी अल्लाह ताला नो भज के कोला कोला के बह गए अकबला अलल अला वजहे ही ओदे चेहरे दे सिहाबी दे अगों दी हो के अबू मुस्लिम आउंदे ने आगे आंदे ने तुसी मुआज बिन जबल हो जी जी मैं मुआज बिन जबल हाँ ते चेहरा सिहाबी दा इंज इत्थे तेरे सुभान अल्लाह उन्हें वेखनी तेरा तेरा प्यार वेखना सिहाबी दा चेहरा इंज चमक रहा है जिमें चौदवी रात दा चन पिया चमकदा सिहाबी होए फिर चेहरा ना चमके सिहाबी दे चेहरे ते नूर हुंदा है रब वल्लों ही चेहरा बड़ा खूबसूरत अगों दी आए तुसी मुआज हो जी जी मैं नबी दा सिहाबी मुआज हाँ अबू मुस्लिम आंदे ने इन्नी वल्ला वेखो तीन तकीदा वल्लाहे इन्नी लाओ हिब्बो का या मुआज ए मुआज मैनू अल्लाह दी कसम है मैनू तुहाडे नाल सच्ची मुहब्बत ए नहीं आख्या मैं तुहाडे नाल इश्क है ए नहीं क्या मैं तुहाडा आशक बन गया नहीं
आशिक दा लफज इस्तेमाल ना करया करो। आशिक दा लफज जेड़ा है इंतहाई घटिया ते जरील तरीन लफज है। सुना के आंदे ने ए मुआजी मैनू तुहाडे नाल बड़ी मुहब्बत है, ते मुआज आंदे ने फाले अल्फाज़ आदी दे फाले आइए शैए तेनू मेरे नाल मुहब्बत किस वास्ते वे, ते अबू मुस्लिम आंदे ने लिल्ला प्यार अल्लाह वास्ते, इस वास्ते के तुसी नबी दे सहाबी दे जावा सदके मैं सोने आका दे जीदा बोल ना रब दा कुरान होया अजीदा यार सिद्दीक फारूक होवे नाले है दरते उस्मान होया। और इतने अल्लाह वास्ते मुहब्बत, अल्लाह वास्ते सिहाबिया नाल मुहब्बत, अल्लाह वास्ते और जेड़े जेड़े आका दे लड़ लग गए जेड़े जेड़े आका दे लड़ लग गए सौ रब दी ओनानो पर लग गए हर सिहाबी मेरे आका दा हर सिहाबी साडे आका दा ओदी जन्नत दा मेहमान होया भी जनती है। सद आंदे ने मैं तेरे मुहब्बत बड़ी है, आंदे ने वाकई मुहब्बत ही जी मेरे वाकई मुहब्बत है, ते मुआज आंदे ने नेड़े हो जरा इधर मेरे वाल वेखो की कीता फाजाजा बाहुबवती एंज करके खिंच के जफी सिहाबी ने अबू मुस्लिम नु पा ली है जफी पाई चंगा घुटिया सिहाबी ने ते नाल आंदे ने आप अल्फाज़ सिहाबी ने अब शेर इन कुर दा स्वाद का मुस्लिम अगर अपने दावे विच सच्चा है कान खोल के सुन ले समे तो रसूल अल्लाह है मैं खुद अपने कन्ना नाल जगां दे पीर कोलो सुनिया आका ने फरमाया सी अल मुतहाबू नफिल्लाह अल मुतहाबू नफिल्लाह फी जिल्ली शौ मला जिल्ला इल्ला जिल्ली। मैं खुद सुनिया मेरे आका ने फरमाया एक रवायत हदीसे कुदसी भी है अल्लाह फरमान गए कियामत वाले दिन और किधर गए मेरे वास्ते प्यार करने वाले एक अल्लाह दी रजा वाले लोग आ जाएंगे ते मेरे अल्लाह फरमा तुसी मेरे वास्ते एक दूजे नाल प्यार कर दे साजे जी जी अल्लाह जी तेरे वास्ते करने सा अल्लाह फरमान गए फिर आ जाओ आज मैं दुआनो अपने अरश दा साया अता कर देना वा। किन्ने बंदे हो गए है जे पता कोई ना चार हुण मैं गल मुक्सर करन लगा पंजवा बंदा केड़ा है राजुल दात हो इमरातुल जात हसबिन व नसबिन जात मनसबिन व जमाल ए पंजवा बंदा ओए जिनो बीबी आके आ मेरे नाल बुराई कर ले बीबी आम बीबी नहीं कोई गरीब बीबी नहीं बीबी उच्चे हसब दी है उच्चे नसब दी है खूबसूरत भी है और मियां मालदार भी है कोठियां वाली है गड्डियां वाली है ते बड़ी बीबी पढ़ी लिखी है हुसीनो जमील है आंदी है आ मेरे नाल बुराई कर ले अगो ये की आंदा है इन्नी अखाफुल्लाह और बीबी मैं तेरे नाल नहीं कर सकता इस वास्ते कि मैं अल्लाह तो डरना वा अल्लाह तो पर हुसन दे बाजार तो लंघना बड़ा औखा
एक काम बड़ा औखा है, अल्लाह सारे नु बचा के रखे। छेवा बंदा केड़ा है, रजुलुन तसद्दा का बेसादा गते फअखफा हत्ता ला तालमा शिमालो मा तुनफिको जमीनो हो। ए छेवा बंदा होए रब दे राह विच सदका देंदा, इतना शौक ला सदका देंदा, इतना ज्यादा सदका देंदा, सज्जे हाथ नाल देंदा, खब्बे हाथ नु पता भी नहीं लगन देंदा। इतने एक प्रॉपर तरीके नाल सदका देंदा है कि सज्जे हाथ नाल अगले नु सदका दिता, खब्बे नु पता ही नहीं लगन दिता। और सदके दी गल करदे हो, रब दे राह विच देन दी गल करदे हो, आ मेरा उस्मान वेख लै जिन्हें अपनी जिंदगी विच एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, पांच दफा नहीं, दस दफा नहीं, बल्कि कई दफा सदका दिता है। 36,56,33,000 कल्ले उस्मान ने दिता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ वेख लै अगे सुन जरा आखरी बंदा, रजुल ज़कर अल्लाह खालिया फफाजत ऐना हो। ए आदमी कल्ला ही है, घर विच कल्ला ही है, मस्जिद विच कल्ला ही है, ए वुजू कर लैंदा, बह जांदा है, या तहज्जुद पिया पढ़दा, तहज्जुद पढ़दा है पिया, ते कल्ला सजदे विच अपने रब नू मनांदा है पिया। कदी पढ़ी आ तहज्जुद? अल्लाह तहज्जुद पढ़न की तौफीक दे दे। आ तहज्जुद जिहड़ा आदमी पढ़दा, मैं मिंबरे रसूल ते गारंटी नाल कहना, जिहड़ा तहज्जुद गुजारे ओदी रोजी विच बरकत भी है, ओदी जबान अंदर तासीर भी है। जिहड़ा तहज्जुद पढ़दा अल्लाह उत्तों आवाज दे के आंदे ने, और नाले मुआफी पिया मंगना, नाले रोई जाना, जी जी रब दी। फरमाया गल सुन ले, ओ मेरी जहन्न जिदे विच सत समुंदरां दे पानी पा देवा, ओदी अग नहीं बुझ सकदी, मक्खी दे पर जिन्ना तू मेरे सामने रो पिया है। ओ मेरे आ बंदिया गल सुन ले, मक्खी दे पर दे बराबर अपनिया अखां चो पानी कढ लियाई, जा मैं तेनू जहन्नम तो आजाद भी कर दिता, तेरे नाम जन्नत नो अलाट भी कर दिता। पढ़िया कर तहज्जुद, पढ़ोगे ना? करो वादा, पढ़ोगे? वाह वाह मजा है रात के आम अंदर, वाह वाह कोटने पाक कलाम अंदर। कह दो सुभान अल्लाह। वाह वाह मजा है रात के आम अंदर, वाह वाह कोटने पाक कलाम अंदर, वाह वाह लज्जत रात के आम अंदर, वाह वाह कोटने पाक कलाम अंदर, वाह वाह लज्जत ऐस जाम अंदर। सारे बोलने पढ़ो ला इलाहा। अल्लाह मैनू तुहानू किताब सुन्नत अमल दी तौफीक नसीब फरमाए।